हाँ, अब देखिए पोइम इस तरीके से एक्सप्लेन करी जाएगी कि जिस तरीके से आपको जो टेक्स्ट बुक वाली पोइम थी वो अच्छे से लर्न हो गई होगी, ठीक इसी तरीके से आपको ये पोइम भी बहुत अच्छे से लर्न हो जानी चाहिए। ठीक, जैसा कि कविता का नाम है ब्यूटी, वैसी ये कविता है भी। अब आपको ये बताना है कि जो ब्यूटी है वो कवि के अनुसार, कवि ये मानता है कि ब्यूटी को हम तीन जगह बहुत अच्छे से देख पाते हैं या सुन पाते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे उसने कहा है कि ब्यूटी इज सीन, ठीक। तो फर्स्ट नंबर पे कवि ने क्या कहा है आपको एक बार तो वो समझ लेना है। इसके बाद दूसरे नंबर पे वो कहता है कि ब्यूटी इज हियर्ड, बहुत अच्छे से समझ लेना, पोएम से ही आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और थर्ड नंबर पे कहता है ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, तो ये वो तीन बातें कहता है। पहले कहता है कि ब्यूटी इज सीन, अब आपको केवल वो जगह याद करनी है जिन जगहों पर सुंदरता को देखा जा सकता है, ठीक है। तो आप देखिए जो फर्स्ट नंबर पे वो कह रहा है, हाँ, किन किन जगहों पे सुंदरता को देखा जाता है। पहले तो सबसे पहले उसने कहा कि ब्यूटी इज सीन, के सुंदरता को देखा जाता है कहाँ कहाँ, बस वो जगह करनी है। अब वैसे भी क्लियर है कि जब हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से पहली बात देखने के लिए जो चाहिए वो चाहिए क्या, लाइट। या उसने बात करी है कि सुंदरता को हम कब देख सकते हैं या सुंदरता कब देखी जाती है, तो उसके लिए उसने कह दिया है कि ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने याद कर लिया कि इन द सनलाइट, केवल आपको पॉइंट लर्न करने हैं, आपको समझ में आ जाएगी कविता में कुछ ऐसा नहीं है, बस अच्छी कविता है कारण कि ये आती है। तो ब्यूटी इज सीन, सुंदरता को देखा जाता है कहाँ, इन द सनलाइट, के सूर्य के प्रकाश में। और ये कॉमन सेंस वाली बात भी है कि कोई चीज़ अगर देखी जाएगी तो लाइट, जो लाइट चीज़ है वो हमारी जो पहली प्राथमिकता है वो लाइट होती है। तो ऐसे ही याद हो गई कि देखा जाता है कहाँ, तो पहले तो इन द सनलाइट। दूसरे नंबर पर किस किस में देखा जा रहा है, वो द ट्रीज, ठीक। तीसरे नंबर पे वो कह रहा है कि द वर्ड्स, ठीक। इसके बाद वो कह रहा है कॉर्न ग्रोइंग, इनका सीक्वेंस ऐसा बनाइए कि आपके दिमाग में फिक्स हो जाए, जिसे आंसर लिखते समय चीज़ें कोई छूटनी नहीं चाहिए। अब देखिए सुंदरता देखी जाती है पहले इन द सनलाइट, के लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। अब वो कहाँ कहाँ, सबसे पहले ऐसे उसने बता दिया कि ट्रीज, द ट्रीज यानी पेड़ों की सुंदरता को वो देखता है। तो कवि ने तो इस तरीके से कहा कि नेचर की जो ब्यूटी है उसकी बात कर रहा है, तो उसे जो पेड़ है उसकी ब्यूटी बहुत अच्छी दिखाई देती है। हमने उसे किस तरीके से लेना है जिससे हमें उसका सीक्वेंस याद हो, कि सनलाइट में जब हम पेड़ देखते हैं और पेड़ के ऊपर बैठे हुए पक्षी देखते हैं, तो तीनों चीज़ों का सीक्वेंस हो गया कि इन द सनलाइट में ट्रीज और ट्रीज के ऊपर के जो वर्ड्स हैं वो, तो द ट्रीज द वर्ड्स। इसके बाद जो अगली लाइन वो कहता है कि कॉर्न ग्रोइंग, तो कॉर्न के ग्रोइंग में तीसरे नंबर पे। इसके बाद चौथे नंबर पे वो कहता है कि जो मक्का होता है उसके उगने में, ठीक, एंड पीपल वर्किंग, और लोगों के काम करने में और डांसिंग या नाचने में फॉर देयर हार्वेस्ट, के लोगों के वर्क करने में, वर्क भी काई के लिए कर रहे हैं वो, फॉर देयर हार्वेस्ट। तो ये जो कॉर्न ग्रोइंग हुआ यानी जो फसल हमारी उग करके खड़ी हुई, तो इस फसल के लिए लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो अगली लाइन में उसने क्या कर दिया कि पीपल वर्किंग, कुछ इस तरीके से दिमाग में सीक्वेंस बनाइए कि वो चीज़ें सारी आपको याद हो जाएं। तो पीपल के वर्किंग में, कि लोग इसके लिए काम करेंगे, जब ये जो कॉर्न होगी वो ग्रो कर जाएगी तो जब आदमी को मिलेगी तो आदमी उसके लिए क्या करेगा। तो अगले लाइन में उसने लिखा कि डांसिंग पीपल, तो डांसिंग पीपल करने का यहाँ मतलब कैसे है, खुशी का इजहार करने से, ठीक। तो अगली लाइन में उसने कहा और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, और डांसिंग या नाचने में फॉर देयर हार्वेस्ट अपनी फसल के लिए, तो लोगों जब अपनी फसल के लिए नाचते हैं तो उसमें भी कभी को सुंदरता दिखाई देती है। तो ये मैंने इसका सीक्वेंस बनाया है जिससे आपके दिमाग में ठीक से फिक्स हो जाए, आप भी इसे इसी तरीके से दिमाग में बिठाइए।
जिससे अगर आपसे ये पूछा जाए, जैसे जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो, हाँ, व्हाट आर द थिंग्स दैट अपीयर अट्रैक्टिव व्हेन देयर इज सनलाइट, कि जब सूर्य का प्रकाश होता है तो कौन कौन सी चीज़ें कभी को आकर्षित करती हैं, तो सनलाइट में कभी किनको देख रहा है, इनको, लेकिन हमें लिखना है तो हमारे पास इनका सीक्वेंस होना चाहिए जिससे कि हमारी कोई चीज़ छूटे नहीं। तो उसके लिए आप क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम किसी चीज़ को देखेंगे तो सुंदरता देखी जाती है, तो सबसे पहले कहाँ, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सनलाइट होना चाहिए, तो इन द सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में हम देखते हैं। अब स्टार्टिंग उसने कहाँ करी कि ट्री, ट्री से आपके दिमाग में अगली चीज़ आ जाएगी कि ट्री के ऊपर जो बैठे हुए पक्षी, द बर्ड्स। तीसरे नंबर पर उसने किसको लिया, जो उसकी फसल है उसके उगने में, तो अगला लिया उसने कॉर्न के ग्रोइंग में, और कॉर्न ग्रोइंग से आपकी दो चीज़ें फिर बनी कि कॉर्न कैसे ग्रो होगा, यानी कोई भी फसल जो होगी वो बढ़ेगी, तो वो कैसे बढ़ेगी, जब पीपल उसके लिए वर्क करेंगे। तो अगली लाइन में आपने लिखा कि पीपल के वर्किंग में, और वर्क करने के बाद जब फसल बढ़ती है तो लोग उसकी खुशी मनाएंगे, तो उसके लिए अगले में उसने किसमें लिखा, और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, और डांसिंग या नाचने में फॉर देयर हार्वेस्ट अपनी फसल के लिए। बात आ गई क्लियर से समझ में, तो आपको बस ये समझ लेना है कि यहाँ जो बातें बताई गई हैं उनका सीक्वेंस बना लेना है, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, सबसे पहले कबीर ने क्या कहा कि ब्यूटी इज सीन, कि सुंदरता को सीन किया जाता है, कहाँ, अब वो आपको पता है अपने आप से कि सीन करने वाली बात है, देखने वाली बात है, तो इन द सनलाइट। अब सनलाइट में वो स्टार्टिंग कहाँ से करता है कि द ट्रीज, उसमें सुंदरता को देखता है, द वर्ड्स, उसमें सुंदरता को देखता है, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन वो करता है क्या, वो आपको याद करना है कि कॉर्न की ग्रोइंग में। अब कॉर्न ग्रो होता है तो उसके लिए दो काम होते हैं, फर्स्ट वर्क होता है और मिलने पर खुशी होती है, तो इसके लिए लिखेंगे पीपल के वर्किंग में और डांसिंग में, लोगों के वर्किंग में और डांसिंग में, काय के लिए, फॉर देयर हार्वेस्ट, अपनी फसल के लिए, क्लियर। तो मेरे ख्याल से ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो एकदम से क्लियर आपको हो गया होगा। चलिए इसके बाद देखिए जो आपका सेकंड स्टेंजा है, ब्यूटी इज हियर, इसमें वो कह रहा है कि सुंदरता को हम, या सुंदरता को सुना जाता है, यानी हम सुंदरता को सुन भी लेते हैं। अब सुनने वाली बात हो गई तो निश्चित रूप से यहाँ साउंड होंगी, क्योंकि सुनेंगे हम सुंदरता को, कायम है कि प्रकृति में जो सुंदर सुंदर आवाज़ें हैं, कवि को यहाँ उनका वर्णन करना है। तो उसमें सबसे पहले उसने क्या कहा, जैसे वहाँ कहा था सुनने देखने में इन द सनलाइट, ऐसे यहाँ सुनने में क्या कहेगा, इन द नाइट, कि सबसे पहले तो सुंदरता को सुनने वाली बात है, तो अंधेरे की बात वो कर रहा है कि इन द नाइट, कि नाइट में सुंदरता को सुना जाता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ सुना जाता है, तो वो उसने बताया सबसे पहले कि विंड के साइन, जो विंड होती है हवा, वो जो साइन करती है, तो विंड जब चलती है तो उसकी जो आवाज़ आती है उसे कहते हैं विंड की साइन में, तो यानी हवा की आवाज़ में, यानी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनमें वो बता रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे विंड की साइंग में लगता है, उसके बाद जो दूसरे नंबर, जब हवा चली उसके बाद दूसरी वर्षा हुई तो रेन के फॉलिंग में, तो रेन जब गिरती है यानी जब वर्षा होती है तो उसकी जो आवाज़ आती है तो उसको भी कभी सुंदर मानता है। तो सबसे पहले वो क्या काय में बता रहा है कि विंड की साइंग में, रेन की फॉलिंग में। तीसरा कह रहा है और अ सिंगर चंटिंग, और कोई जो सिंगर होता है वो अगर गाना गाता है उसके चंटिंग में, ठीक। तो इन तीन जगहों पे कभी सुंदरता को सुनने की बात करता है। तो सुनने वाले जो पॉइंट हैं वो तीनों इजी हैं। सबसे पहले सुंदरता सुनी कहाँ जाएगी, तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए, कहाँ, इन द नाइट, रात में, क्योंकि बात हम सुनने की कर रहे हैं, ठीक। अब रात में सुंदरता को कहाँ, तो वो एक एक करके, सबसे पहले हवा चल रही है तो विंड के साइंग में, दूसरे नंबर पे हवा के बाद पानी तो रेन के फॉलिंग में, और तीसरे नंबर पे जैसे विंड हुई उसके बाद ये हुआ, एक आवाज़ का बता दो, तो उसने आवाज़ के लिए क्या कह दिया, सिंगर के चंटिंग में, किसी गायक के गाने में भी उसे सुंदरता सुनाई देती है। तो फर्स्ट में उसने ये कह दिया कि सुंदरता दिखाई जाती है, दूसरे पे ये कह दिया कि सुंदरता सुनाई भी देती है। दिखने वाली बात में आप कहेंगे कि इन द सनलाइट, सनलाइट में आपको दो पॉइंट याद रखने हैं, फर्स्ट आपको क्या याद रखना है और सेकंड क्या रखना है, वो दोनों पॉइंट आपको अलग अलग समझ में आना चाहिए। जैसे हम किसी भी जगह पे सुंदरता को देख रहे हैं तो पहले ट्री और उसके ऊपर बैठे वर्ड्स, ठीक, और दूसरे नंबर पे कॉर्न का जो ग्रोइंग है वो,
कॉर्न ग्रोइंग के लिए आप डबल वर्क करेंगे, एक तो पीपल के वर्किंग में और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। ऐसे ही दूसरे नंबर पर उसने कहा कि सुंदरता को सुना जाता है, तो यहाँ अपने आप से जुड़ जाएगा, सुनने वाली बात है तो इन द नाइट। तो पहले नंबर पर नाइट में हम सबसे बड़ी चीज़ क्या सुनते हैं कि विंड की साइन, उसके बाद अगर वर्षा होती है तो रेन के फॉलिंग में, और तीसरे नंबर पर अगर कोई गायक गाना गाता है तो सिंगर की चंटिंग। क्लियर। लास्ट में उसने लिखा कि एनीथिंग इज अर्नेस्ट, यानी सब कुछ ये उत्सुक करने वाला होता है। अंत में जो लिखता है वो लिखता है कि ब्यूटी इज इन योर सेल्फ। यहाँ लास्ट में कह रहा है कि ब्यूटी इज, कि सुंदरता है इन योर सेल्फ, तुम में भी। तो यानी हर व्यक्ति के अंदर भी सुंदरता होती है। वो कहाँ कहाँ बता रहा है एक एक करके, गुड डीड्स। व्यक्ति के अंदर सुंदरता किस बात की होती है कि अगर किसी के काम अच्छे हैं तो उसके जो वर्क होते हैं अगर गुड होते हैं तब वो सुंदर है। तो ब्यूटी इज इन योर सेल्फ की सुंदरता तुम में भी है, पर काय में, तुम्हारे गुड डीड्स में होती है। दूसरे नंबर पे वो क्या कह रहा है, हैप्पी थॉट्स में, काम अच्छे होने चाहिए उसके बाद जो आपके हैप्पी थॉट होने चाहिए, यानी जो आपके विचार हैं, जो आपकी सोच है वो प्रसन्नता वाली होनी चाहिए, खुश करने वाली होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके अंदर सुंदरता कायम है, यानी किसी भी व्यक्ति में वो सुंदरता की बात करता है तो एक तो उसके गुड डीड्स में होती है, आपके काम अच्छे हैं तो आप सुंदर हैं। दूसरा हैप्पी थॉट्स में होती है, अगर आपके विचार प्रसन्नता के हैं तो। लेकिन ये हैप्पी थॉट्स की फिर कहता है दैट रिपीट देम सेल्फ, कि वो जो हैप्पी थॉट्स होते हैं वो रिपीट भी होने चाहिए, ये रिपीट भी करने चाहिए कायम है इन योर ड्रीम्स। दूसरे नंबर पे इन योर वर्क, और लास्ट में जाके क्या कह देता है, एंड इवन इन योर रेस्ट। तो सबसे पहले सुंदरता को यहाँ क्या कर रहा है कि यहाँ हमें सुंदरता हमारे खुद में भी है, तो लास्ट में वो कह देता है कि इन योर रेस्ट, इवन इन योर रेस्ट, के तुम्हारे रेस्ट में भी। अब इनका सीक्वेंस समझिए किस तरीके से, जैसे उसने कह दिया कि ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, कि सुंदरता तुम्हारे अंदर भी है। तो व्यक्ति के अंदर की सुंदरता कायम में होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल होती है, ये क्लियर अच्छा लिखा भी है कि गुड डीड्स में। आपके अगर काम अच्छे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर ब्यूटी है। दूसरा, अगर आपके हैप्पी थॉट्स हैं इसका मतलब आपके अंदर ब्यूटी है। तो गुड डीड्स में होती है, हैप्पी थॉट्स में होती है। लेकिन ये जो हैप्पी थॉट्स होते हैं तो इसके लिए जो तीनों बातें उसने लिखी वो और अच्छी लिखी, कि ये हैप्पी थॉट काय काय में होनी चाहिए। अगर आप ड्रीम करते हैं, मतलब अगर आप कुछ करने का सपना देखते हैं, तो वहाँ भी आपके थॉट हैप्पी होने चाहिए। अगर आप कोई काम करते हैं तो वहाँ भी, उस काम में भी आपके थॉट जो है वो हैप्पी होने चाहिए। और अगर आप रेस्ट भी करते हैं तो कितनी अच्छी बात है, तब भी आपके जो थॉट हैं वो हैप्पी होने चाहिए। तो जो ब्यूटी है, ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, कि सुंदरता तुम में भी होती है काय में। लेकिन हमारे अंदर सुंदरता कायम है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कह दिया कि गुड डीड्स में, जो आपके काम अच्छे हैं उसमें होती है, और दूसरे नंबर पे उसने क्या कहा, हैप्पी थॉट्स में। लेकिन ये जो हैप्पी थॉट्स हैं ये हमारे अंदर कब कब होने चाहिए, तो जब हम कोई ड्रीम करते हैं। ड्रीम का मतलब यहाँ रात के सपने से नहीं है, यहाँ ड्रीम का मतलब है कि जब आप कुछ बनने का सपना देखते हैं तो उसमें भी आपके थॉट हैप्पी होने चाहिए, मतलब कुछ अच्छा करने का सोचें, अच्छे विचार लेकर के सपना देखें, तो हैप्पी थॉट में होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे वो क्या कह रहा है, अगर आप कुछ काम करते हैं तो भी आपके थॉट हैप्पी होने चाहिए वर्क में, और अगर आप लास्ट में कुछ नहीं करते, अगर आप रेस्ट भी करते हैं तो भी आपके जो थॉट हैं वो हैप्पी होने चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं कि उसने कह दिया कि सुंदरता तीन जगह हमें दिखाई देती है। तो फर्स्ट नंबर पर ब्यूटी इज सीन, सुंदरता को हम सुन सकते हैं, सॉरी देख सकते हैं। देखने वाली अगर बात कही जाती है तुरंत दिमाग में आ जाता है कि इन द सनलाइट, पोएम ही लर्न हो जाएगी आपको कि सुंदरता को सनलाइट में हम देख सकते हैं। अब जैसे ही सनलाइट की बात आती है तो पहली बात जो ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी है, उसमें किसकी की, ट्री की, और ट्री की बात आएगी तो उसके ऊपर वर्ड्स अपने आप आ जाएंगे, तो द ट्रीज में और द वर्ड्स में। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है कि जो कॉर्न होता है, जो फसल होती है, जो उगती है, उसमें बात कर रहा है। कोई एक एग्जाम्पल उसने ले लिया, लेकिन आप तो समझे कॉर्न ग्रोइंग, कि फसल के उगने में है, ठीक। अब जैसे उगी तो उसके लिए क्या करेंगे आप, वर्क करेंगे, तो पीपल वर्किंग, और जब मिलेगी और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। क्लियर।
दूसरे नंबर पे वो क्या कह रहा है कि ब्यूटी इज हियर, सुना भी जाता है। अब सुनने में कहाँ, सबसे पहले बात यहाँ का आएगी कि इन द नाइट, नाइट में सुन सकते हैं आप, मतलब कुल मिला के अंधेरे में। और सबसे पहले अंधेरे में हमें क्या चीज़ सुनाई देती है कि विंड का जो साइंग है वो, इसके बाद वर्षा होगी तो रेन का फॉलिंग है, और इसके बाद लास्ट में हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई सिंगर चंट करता है तो सिंगर की चंटिंग में। अगर तीसरे नंबर पर कहें कि ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, कि सुंदरता तुम में भी है, लेकिन आदमी के अंदर कायमें बताता है कभी कि अगर आप गुड डीड्स करते हैं तो आप ब्यूटी में, यानी तो आपके अंदर ब्यूटी है। अगर आप हैप्पी थॉट करते हैं तो आपके अंदर ब्यूटी है, लेकिन हैप्पी थॉट की भी वो कैटेगरी करता है कि कब कब होनी चाहिए, कि हैप्पी थॉट इन योर ड्रीम, तुम्हारा ड्रीम है कोई उसमें भी हैप्पी थॉट रखो, इन योर वर्क, तुम्हारा कोई वर्क है उसमें भी हैप्पी थॉट रखो, एंड इवन इन योर रेस्ट, और अगर तुम्हारा रेस्ट भी हो रहा है तो उसमें भी हैप्पी थॉट रखो। क्लियर? चलिए इसके बाद इसके एक एक करके क्वेश्चंस और देख लेते हैं।